ये जहर नहीं है, ये आग बबूला होकर खून को अपने मुंह से निकाल रहा है। नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुजय स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले, क्योंकि सांप से, एनिमल से, रेप्टाइल से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा। आस्था से जुड़ा हुआ शिव मंदिर, और शिव मंदिर में किस प्रकार से कहीं भाई लोग सांप देखा हुआ है, तो सुबह से करीबन हमारे मोबाइल पर 4-5 बार कॉल आ चुका है, और कौन सा सांप है ना ही आपको मालूम है और ना ही हमें मालूम है। साक्षात शिव भगवान ये मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, तो थोड़ा सा सामने से आके थोड़ा इधर को दोस्तों देख रहे हैं उसमें किस प्रकार से एक सांप घुसा हुआ। कौन सा सांप है हमें भी मालूम नहीं है और आपको भी मालूम नहीं है, तो चलिए पहले देखते हैं। आइए, चलिए दोस्तों, इसी को हम लोग नाग, इसी को हम लोग गेहूमन, और इसी को हम लोग खरीस के नाम से जानते हैं, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है जो काटने के बाद नर्वस सिस्टम को डेथ कर देता है। तो थोड़ा सा सामने से एक बार दिखा दीजिएगा। सांप एक ऐसा प्राणी है, अगर आपको काट ले तो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन वाला सबसे जहरीला सांप है ये, अगर आपको काट ले तो पलक का झपकना, उल्टी आना, एक एलईडी बल्ब 5 से 6 नजर आएगा आपको। तो वीडियो को देखकर नकल मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए, और आस्था अपनी जगह और सांप अपनी जगह ये किसी को बख्शता नहीं है, क्योंकि सांप के मस्तिष्क के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता, इसलिए सांप सीखने का क्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो आप लोग कोई भी सांप को पालतू मत बनाएं, क्योंकि कोई भी सांप पालतू नहीं पक सकता है, और सांप को खासकर दूध ना पिलाएं, क्योंकि सांप के पेट के अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए सांप दूध को हजम नहीं कर पाता। चलिए पहले निकालते हैं सांप का, इस वीडियो में अपना नजर जमाए रखें, क्योंकि खतरा तो ऐसे में सामने सामने साक्षात शिव भगवान, साक्षात स्पेक्टिकल कोबरा सामने से। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, बदतमीजी करने पर यह आपको और हमको छोड़ेगा नहीं। सामने सांप नहीं, सांप के नाम से आज के डेट में लोगों को डर, भय और आतंक हो गया है। गुस्से से अपने मुंह से किस प्रकार से ब्लड निकल रहा है, खून को उगल रहा है यह सांप। थोड़ा सा सामने ये अपने गुस्से को इजहार कर रहा है, ये जहर नहीं है, ये आग बबूला होकर खून को अपने मुंह से निकाल रहा है, और टच करते ही ये काटेगा, इसे काटेगा तक नहीं। वीडियो को देखकर कॉपी ना करें, क्योंकि नकल के चक्कर में आए दिन अक्सर भारत देश में हर एक दिन, साल का बात नहीं कर रहे, हर एक दिन लोग मर जा रहे हैं, 100 से 150 लोग हर एक दिन मर रहे हैं। तो आप लोग नकल मत कीजिए, अगर नकल करना है पढ़ाई लिखाई में नकल कीजिए, इस काम में नकल बिल्कुल मना है। ये अगर आपको काट ले तो डायरेक्ट सरकारी सदर अस्पताल की ओर जाने का कोशिश करें, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, अगर तंत्र मंत्र से बच जाता आदमी तो फिर हॉस्पिटल नहीं खुलता। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजय स्नेक सेवर को, इस वीडियो को एक दूसरे से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ने से लोग मरेंगे नहीं। कभी भी अगर आपको सांप काट ले तो हॉस्पिटल का सहारा ले, और ये सांप का नाम एक बार फिर आपको हम बताना चाहते हैं, इंग्लिश स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी नाग, बांग्ला गोखुरो, गेहूं खरीस के नाम से जानते हैं, और इसे साइंस नाजा नाजा का नाम दिया हुआ, कहीं कहीं इसे 29 स्टेट में 29 नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन हाँ, न्यूरोटॉक्सिन का सबसे जहरीला सांप कॉमन करे, दूसरा में
कोबरा, ये अगर आपको काट ले एक से डेढ़ घंटा में मौत निश्चित। सांप नहीं, सांप के नाम से लोगों को डर भय और आतंक रहता है। यही एक ऐसा सांप है अक्सर मारा जाता है क्योंकि इसे हार मानना बिल्कुल पसंद नहीं है। वीडियो को देखकर नकल करने का आगे एक काम कीजिए, अपना LIC जीवन बीमा करवा ले, क्योंकि जीवन बीमा करवाने से घर वाले को क्या होगा, पैसा मिलेगा। आपके चलते घर वाला क्यों परेशानी उठाएं। और आप लोग अगर वीडियो को देखकर कॉपी करने का, नकल करने का कुछ कोशिश करते हैं तो इसके दाई हम नहीं है। भारत देश में 130 करोड़ आबादी है, उसमें से आए दिन अक्सर लोग मारे जा रहे हैं। इसी को हम लोग प्योर स्पेक्टिकल कोबरा भोले जी के ठीक गले से निकाल कर लेकर आए हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर गांव वाले कहेंगे इसे छोड़ देने के लिए तो छोड़ देंगे यहीं पर, अगर बोलेंगे ले जाने के लिए तो लेकर चले जाएंगे। देखिए थोड़ा सा छोड़ दें, इतना ज़्यादा गुस्सा इजहार कर रहा है, अगर हमको भी काट ले तो हमको भी मारना पड़ेगा, बचना बिल्कुल नामुमकिन है। स्टेप हटा लीजिएगा, दोस्तों ये वीडियो को एक दूसरे से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जानकारी बढ़ेगी। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। हमारी तरह सांप को छूने का, नकल करने का कोशिश ना करें, जैसे सांप के सामने बैठे हुए ऐसा आप ना करें। आप अगर करते हैं तो फिर दिक्कत तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि इस काम में हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक टाइम खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में तो नज़रें जमाए रखें अपना, क्योंकि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। थोड़ा सा फन को इसका पूरे बॉडी को लीजिए। शरीर को फुला रहा है, फिर ये कमा रहा है, क्योंकि ये अपने गुस्से को इजहार कर रहा है। हमसे दूरी बना ले, हम आपके लिए कभी भी खतरा कर सकते हैं। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हमारा एक छोटा सा प्यार भरा सलाम, तब तक मत लीजिए जब तक इस सांप को हम रिलीज नहीं करते हैं। तो वीडियो का आप अंत तक बने रहे, सांप को देखिए किस प्रकार से हम लोग रिलीज करते हैं। तो दोस्तों आइए अपना परम कर्तव्य निभाते हुए सांप को पहले इस फॉरेस्ट एरिया में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि पकड़ने से ज़्यादा आप रिलीज करने का मजा ही कुछ अलग लगता है। तो आप लोग ऐसा करने का कोशिश ना करें, क्योंकि मरना पड़ेगा। वीडियो को एक दूसरे से ज़्यादा शेयर करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।